ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 22। सो इट सेज कंसीडर द सिचुएशन इन फिगर। द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। एस इज अ स्मॉल फिश एंड टी इज अ ह्यूमन आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू। एट व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। एट व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेजेस ऑफ द फिश। ओके सो व्हाट इज गिवन। हमारे पास एक पॉट है, कुछ इस तरह से आपके पास एक पॉट है एंड इस पॉट में हमारे पास वाटर है। कंप्लीटली फिल करते हैं हम इस पॉट को वाटर से। इस पॉट के सेंटर पे हमारे पास इस तरह से ये फिश है, राइट। टॉप से जो डेप्थ होगा वो होगा h बाई टू एंड बॉटम से जो हाइट होगी वो भी सेम होगी बिकॉज ये जो फिश है ये सेंटर पे है। इस पॉट का जो बॉटम है वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। वाटर के फ्री सरफेस से एच हाइट ऊपर हमारे पास एक ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है। नाउ आप देखो कि ये जो फिश है ये इस ह्यूमन आई को देखती है, देन फिश को क्या दिखाई देगा, इस आई की इमेज दिखाई देगी। इमेज कैसे बनेगी, फ्रॉम द रिफ्रैक्शन, बाय द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। मैं रे डाइग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये जो आंख है इससे एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, राइट, समथिंग लाइक दिस। नाउ वाटर के फ्री सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद, कुछ इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी। आगे जाके तो मीट नहीं करेंगी। सो जब आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे, राइट, पीछे एक्सटेंड करने पे आपको ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मिल गई। सो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी आई वन। इस फिश को आई वन इमेज दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, बिकॉज जब ये जो दो रेज है रिफ्रैक्शन के बाद इस फिश को मिलेंगी तो फिश को ऐसा लगेगा कि जो रेज है वो आई वन से आ रही है। उसे थोड़ी ना पता है कि बीच में वाटर के कारण रिफ्रैक्शन हो गया है, राइट। सो उसे आई वन इमेज दिखाई देगी। आप देखो ये जो दो रेज है ऐसा लग रहा है कि फिश को कभी नहीं मिलेंगी, बट ये पैरेक्सियल रेज है ना, ये फिश की आंख में जाएंगी। मैंने जस्ट यू नो बेंडिंग ऑफ लाइट को दिखाने के लिए, रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए थोड़ा दूर बना दिया है, बट ये जो दो रेज हैं ये फिश की आंख में जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद। सो इस फिश को दिखाई देगा आई वन। अब आई वन का डिस्टेंस निकालना है। सो देखो वाटर के फ्री सरफेस से लेट्स से जो आई वन का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एच डैश। सो एच डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिफ्रैक्शन यू नो प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है वहां से जब इमेज बनती है, सो उसका जो फॉर्मूला है एच डैश अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय एच ओरिजिनल डेप्थ। ओरिजिनल डेप्थ तो एच ही है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट का सरफेस से डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रेज जा रही है, सो यहाँ वाटर में जा रही है, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रेज आ रही है, सो एयर से आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। सो यहाँ से एच डैश का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज सिंपली म्यू इंटू एच। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एच डैश नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो इमेज आई वन इस फिश को दिखाई देगी वो फिश से कितनी डिस्टेंस पे है। सो डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड आई वन। सो देखो एच डैश प्लस एच बाई टू है ना, ये डिस्टेंस है एच बाई टू और यहाँ से ये डिस्टेंस है एच डैश। सो एच डैश प्लस एच बाई टू इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड आई वन। सो एच डैश प्लस एच बाई टू आपका आंसर है। एच डैश इज एच म्यू प्लस एच बाई टू, सो एच कॉमन निकाल लो, म्यू प्लस वन बाई टू। सो एक तो ये इमेज दिखाई देगी, क्या सिर्फ एक ही इमेज बनेगी इस आंख की, ये जो आई है ह्यूमन आई है, क्या इसकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, ऑफकोर्स नॉट, एक और इमेज बनेगी। आप देखो कि ये जो रेज है ना, रिफ्रैक्टेड रेज जब आगे जाएंगी और इस प्लेन मिरर पे जाके कोलाइड करेंगी, देन प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से रेज वापस जाएंगी, राइट। सो इस प्लेन मिरर को ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ये आई वन से आ रही है। आई वन से आ रही है ऐसा क्यों लगेगा, जैसे फिश है उसको लगा था कि आई वन से रेज आ रही है, उसी तरह से इस प्लेन मिरर को भी लगेगा कि आई वन से रेज आ रही है, बिकॉज प्लेन मिरर को थोड़ी ना पता है कि बीच में रिफ्रैक्शन हो गया है। सो अभी ये जो आई वन है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस प्लेन मिरर के लिए,
आई वन ऑब्जेक्ट है इस प्लेन मिरर के लिए, राइट right? ऐसे ही होता है, लाइक जो इमेज बनती है वो फिर यू नो ऑब्जेक्ट का काम करती है. सो ये जो आई वन है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी, राइट right? सो आप देखो आई वन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर को जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट देते हो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनाता है. सो आई वन इज द ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेन मिरर. सो आई वन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर, आप ध्यान से देखोगे सो आई वन का जो डिस्टेंस निकल के आएगा प्लेन मिरर से एच डैश, है ना, फ्री सरफेस तक एच डैश हो गया और ये हो गया एच. सो एच डैश प्लस एच इज द डिस्टेंस बिटवीन आई वन एंड प्लेन मिरर. सो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी. आप देखो ये जो रेज है रिफ्लेक्ट हुई है, इनको पीछे अगर आप एक्सटेंड करोगे सो यहाँ पे एक और इमेज बनेगी आई टू, और ये डिस्टेंस होगा एच डैश प्लस एच. सो अगेन जब रिफ्लेक्शन के बाद ये जो दो रेज है अगेन इस मछली की आंख में जाएंगी, है ना, सो क्या दिखेगा उसे, आई टू दिखेगा. सो आई टू भी दिखेगा इस फिश को. सो आई टू का डिस्टेंस फ्रॉम द फिश ये भी हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज जो फिश है वो आई टू को भी तो देखेगी, राइट. सो अगेन ये डिस्टेंस हो गया एच डैश प्लस एच, और ये जो मिरर है और ये जो फिश है इसके बीच में डिस्टेंस है एच बाई टू. सो डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड आई टू, ये भी आपका आंसर होगा, इट विल बी एच डैश प्लस एच प्लस एच बाई टू. दैट इज बेसिकली एच इंटू म्यू प्लस थ्री एच बाई टू. That is basically h common ले लो mu plus 3 by 2. So ये जो fish है इसने कितनी images देखी, दो image देखी. एक image देखी i1 जिसका answer है ये, right, इतने distance पे दिखी, और एक image देखी i2 जिसका answer है ये इतने distance पे दिखी. i1 कहाँ से बनी, from the refraction from the free surface of water, and i2 कैसे बनी, एक बार refraction हुआ फिर reflection हुआ from the plane mirror उसके बाद बनी. अब सेकंड क्वेश्चन ये था, अच्छा ये रहा डायग्राम. सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब ये जो ह्यूमन आई है ना, ये जो आंख है इंसान की आंख है, ये इस फिश को देखती है. सो अगेन क्या दिखाई देगा, इस फिश की जो इमेज बनेगी फ्रॉम द रिफ्रेक्शन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर वो दिखाई देगी. सो इस बार फिश से जो रेज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, इस तरह से एक रे ऐसे आएगी, एंड वाटर के फ्री सरफेस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएंगी इस बार. सो अवे फ्रॉम नॉर्मल मीन्स पीछे एक्सटेंड करने पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आके मिलेंगी. सो यहाँ पे इमेज बन जाएगी आई वन. सो इस ह्यूमन आई को क्या दिखाई देगी, ये इमेज आई वन. अभी आई वन का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले फ्री सरफेस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट्स से जो फ्री सरफेस है वहाँ से जो डिस्टेंस है आई वन का वो है एच डैश. अगेन रिफ्रेक्शन प्लेन रिफ्रेक्शन से जब इमेज बनती है सो अपेरेंट डेप्थ एच डैश डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम द सरफेस वो एच बाई टू है ना, एच बाई टू इज इक्वल टू म्यू टू, जिस मीडियम में रेज जा रही है एयर में उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन, म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रेज आ रही है वाटर से आ रही है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू. सो एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन टू म्यू. सो ये हो गया एच डैश. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो आंख है इसको कितने डिस्टेंस पे यू नो इमेज दिखाई दी. सो आई वन एंड ह्यूमन आई के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा एच डैश, ये डिस्टेंस हो गया एच डैश और ये डिस्टेंस हो गया एच. सो आंसर होगा एच डैश प्लस एच. एच डैश का वैल्यू है एच अपॉन टू म्यू प्लस एच. सो एच कॉमन वन अपॉन टू म्यू प्लस वन. क्या सिर्फ एक ही इमेज दिखाई देगी, ऑफ कोर्स नॉट, एक और इमेज दिखाई देगी. कौन सी इमेज, आप समझ गए होंगे कि वो कहाँ से आएगी, प्लेन मिरर से. सो आप देखो कि ये जो फिश है ना, इसकी एक इमेज बनेगी फ्रॉम द प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर है वो इस फिश की इमेज बनाएगा कितने डिस्टेंस पे, h बाई टू पे. एच बाई टू पे क्यों बनाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है. सो यहाँ पे एक इमेज बन गई इस फिश की. अगर मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, तो देखो इस तरह से जो रेज पहले जाके प्लेन मिरर को हिट करेंगी उनका जब रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, सो जो रेज है वो इस तरह से पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी. लेट्स से ये जो इमेज है ये कुछ आई डैश है,
आई डैश। सो अभी जो ये रेज है रिफ्लेक्शन के बाद जब वाटर के फ्री सरफेस पे जाएंगी राइट इस तरह से, और अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बिकॉज वहां से क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। सो आप देखो कि जब वाटर के फ्री सरफेस पे ये रेज आएंगी तो वाटर के फ्री सरफेस को ऐसा लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है, आई डैश से। उसे थोड़ी ना पता है बीच में रिफ्लेक्शन हुआ है प्लेन मिरर से। सो अभी जो ऑब्जेक्ट होगा ये आई डैश होगा, है ना, रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो आई डैश होगा। आई डैश का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर वो कितना है, h बाई टू प्लस h बाई टू प्लस h बाई टू थ्री h बाई टू। अभी जो रेज है अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होंगी, सो इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होंगी, और जब इमेज बनेगी लेट्स से ये इमेज बनी आई टू, सो ये इमेज आई टू दिखाई देगी इस आंख को, बिकॉज ये जो रेज है ना ये बहुत दूर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, बट ये पैरेक्सियल रेज है, ये दोनों रेज इंसान की आंख में जाएंगी ऐसे, है ना। ये डायग्राम हमने ऐसे बना दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज बहुत छोटे छोटे एंगल आते हैं आपको समझ नहीं आता। ये पैरेक्सियल रेज है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो दो रेज है ना जो कि बहुत दूर इंसान की आंख से बहुत दूर दिख रही है, बट एक्चुअल में वो पैरेक्सियल है, इंसान की आंख में जाएंगे, तब उसको क्या दिखाई देगा, आई टू दिखाई देगा, बिकॉज उसे लगेगा कि ये जो दो रेज आ रही है रिफ्रेक्शन के बाद वो आई टू से आ रही है। सो आई टू का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस लेट्स से एच डैश, अगेन फॉर्मूला यूज करो एच डैश, है ना, अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेप्थ, ओरिजिनल डेप्थ होगी 3h by 2 बिकॉज रिफ्रेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट था आई डैश, सो इट विल बी 3h by 2 इज इक्वल टू म्यू 2 by म्यू 1, अगेन इट विल बी 1 by म्यू। सो यहां से एच डैश जो निकल के आ रहा है वो है 3h अपॉन 2 म्यू। अब हमें क्या चाहिए कि जो आई टू इस आंख ने देखा, आई टू और आंख के बीच का डिस्टेंस, सो आई टू और इस आंख के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एच डैश प्लस एच, एच डैश प्लस एच, है ना, एच और ये हो गया एच डैश। सो डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन आई एंड आई टू, ह्यूमन आई एंड आई टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एच डैश प्लस एच, सो एच डैश हो गया 3h by 2 mu plus h, सो h कॉमन निकाल के यू कैन फाइंड आउट द आंसर। So I think you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.